इंदौर के पास मांगलिया में रहने वाले एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान गंवा दी है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि युवक ने प्लेयर अनोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी मोबाइल गेम के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। युवक वीडियोग्राफी का काम किया करता था और पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार की है। यहाँ रहने वाले प्रियांशु गुप्ता का शव नग्न अवस्था में उसके घर में पड़ा मिला। पिता दिनेश गुप्ता जब सुबह 7 बजे ग्वालियर से घर लौटे तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला और उसके बाद जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा गया तो गौरव का शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था और पलंग के पास जहरीले पदार्थ का पाउच और मोबाइल भी रखा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के मुताबिक गौरव ने लोटे में जहरीला पदार्थ घोलकर पिया है। उसकी बहन प्रज्ञा गुरुवार की रात को सुखलिया में रहने वाले किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी और गौरव का किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि गौरव के चाचा कमल गुप्ता ने यह जानकारी दी कि गौरव मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है और वहाँ उसका किसी युवक से लेन देन का मामला भी था और वो 2-3 महीने पहले पैसे के सिलसिले में ग्वालियर भी आया था। युवक पबजी का शौकीन था और दिन भर पबजी ही खेलता रहता था और शायद पबजी के चक्कर में ही उसने अपनी जान गंवा दी है। उसके मोबाइल में पबजी गेम खेलने वाले युवकों का ग्रुप होने की जानकारी भी मिली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।